नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कुछ मिनट में प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर आईआईटी और आईआईएससी निर्देशकों सहित कथे प्रधानमंत्री उपस्थित थे नुआ शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान दक्षता विकास मंत्रालय दायित्व ने धर्मेन्द्र प्रधान से रेलमंत्री भाव कार्यभार आरंभ कले अश्विनी वैष्णव राजरास्ता कोल्हाइले चासी कलाकार पार्लर और जिम कर्मचारी आर्थिक अनुदान सहित तुरंत सबू खोल कले दावी लॉकडाउन सटडाउन दीर्घ दिन है बंद रही व्यवसाय आर्थिक अनटन कटुची दिन पुलिस कब्जा में रसिकिया बिल्डर युवती को बहुत कर देखा धोखा बिल्डर प्रियव्रत मिश्रों नाँ एकाधिक अभोग आने स्त्री कैपिटल और महिला थाना मामला रुजु रास्तापाई रास्ता अवरोध गां रास्ता बिवाद को नहीं जातीय राजपथ अवरोध कले नयगढ़ सतरखंड मौजा लोके धनु तीरधरी कले आंदोलन बारंबार रास्ता निर्माण पर दावी सत्वे प्रशासन शुणु नभोग आवास घोटाला को नहीं बीजेपी रणहुंकार प्रधानमंत्री आवास योजन दुर्नीति अभोगे विक्षोभ जारी राज्यव्यापी ब्लक अफिस् सम्मुखें दलर प्रतवाद भुवनेश्वर जिला बीजेपी पक्ष ब्लक अफिस् आगे आंदोलन राज्य में कोरोना तृतीय लहर चिंता तीनि दिग पर गुरुत्व दी कहे स्वास्थ्य निर्देशक शिशु आक्रांत होवार आशंका थिबारु चली ट्रेनिंग सेपटे कोरोना मृत्यु संपर्क में कहे लुचा जाउनी तथ्य केन्द्र मंत्रिमंडल संप्रसारण गोटे दिन पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आईआईटी और आईआईएससी अध्यक्षों सहित कथा आईआईटी बॉम्बे आईआईटी मद्रास आईआईटी कानपुर और आईआईएससी बेंगलुरु अध्यक्षों सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे कथा प्रधानमंत्री बैठक में नुआकरी शिक्षामंत्री होता धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित रही है आज शिक्षामंत्री भाव दायित्व नहीं पारती धर्मेन्द्र प्रधान या पूर्व से मंत्रालय सचिव और वरिष्ठ अधिकारी सहित बैठक करपरी दक्षता विकास मंत्रालय मंत्री भाव आज धर्मेन्द्र प्रधान दायित्व ग्रहण करपूर्व हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय दायित्व हस्तांतर कर धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज स्किल मंत्रालय दायित्व नहीं आप सीधा देखिपे जो महेन्द्रनाथ पांडे थे जेकि पूर्वतन स्किल मंत्रालय मंत्री थे से वर्तमान दायित्व हस्तांतर करछंती एजुकेशन मंत्रालय जी कथा कहे से आज कार्य आरंभ करछंती ऑफिशियल दायित्व नहीं नाहंती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सीधा साल किसी आई आई टी सियान सहित आलोचना करते जो थे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान थे आम तुम्हें कहीपर तो निश्चित भाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय कार्य लगे किंतु कौटना कौटी ऑफिशियली चार्जेस आज नौ ना हूँ तो आसंता काली नहीं पारती एजुकेशन मंत्रालय निश्चित भाव दायित्व किंतु आज देखिए वर्तमान स्किल मंत्रालय दायित्व से नहीं दक्षता विकास जो मंत्रालय रही ये सर्वप्रथमें जिते मंत्रालय आसी गठन कराइला केन्द्र में प्रथम थरपाई से केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान दायित्व ग्रहण करते एवं से पुणी थे से मंत्रालय को फेरी तेज निश्चित भाव आगामी दिन में ओडिशा परिप्रेक्षी जी आम कह निश्चित भाव ये जो दुईट मंत्रालय हाथ को आसी जितेबाला पेट्रोलियम विभाग मंत्रालय आम देखी अनेक फायदा राज्य को मिले तेज निश्चित भाव ये एजुकेशन मंत्रालय और दक्षता विकास मंत्रालय जो मिली निश्चित भाव यार सिंह भाग निश्चित भाव प्रायोरीटी ओडिशा पूर्वपरी जो भाव थी निश्चित भाव ता रही है तेज आगामी दिन में से कि भाव कार्य करापर निश्चित भाव राज्यवासी और देशवासी नजर रही नदी कैमरा पर्सन नीरज सहित गगन अर्गस न्यूज नुआ रेलमंत्री भाव दायित्व ग्रहण कले अश्विनी वैष्णव दायित्व ग्रहण पर अश्विनी वैष्णव बड़ दायित्व दि जाइयु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद जनाई रेल मंत्रालय को नहीं मोदी बड़ विजन रखिता कहते अश्विन रेलवे दृष्टिकोण हो लोकों जीवन में परिवर्तन आने साधारण लोक कृषक गरीब जपरी रेलवे लाभ पाए से दिगरे काम करेंगे अश्विनी वैष्णव राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय दायित्व दि जाइपरी सूचना और प्रसारण मंत्री भाव अनुराग ठाकुर दायित्व ग्रहण अनुराग ठाकुर कहते भारत को आग को नेबा मोदी गत सात वर्ष अनेक कार्य कर दायित्व पूरण करने को चेष्टा करनुराग ठाकुर से नुआ स्वास्थ्य मंत्री भाव मनसुख मांडविया आज दायित्व ग्रहण कर गुजरात सांसद रही मांडविया डॉक्टर हर्षवर्धन स्थान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दायित्व दि जा
मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ, वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूँगा, जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा और आशा करता हूँ कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊं। आज अपरती खबर को पुलिस कब्जा रे रसिकिया बिल्डर जने परे जने युवती को विवाह नारे देउथिला धोखा। कैपिटल थाना और महिला थाना रे बिल्डर प्रियव्रत मिश्र नारे एकाधिक मामला रुजु होई छि। प्रियव्रत पै विवाह थिला निशा आ पेशा, तेबे प्रथमे स्त्री को अभियोग परे पुलिस तांको गिरफ करथिबा जणा पडछि। संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि संतोष जेना रही संतोष, प्रियव्रत मिश्र नारे बिल्डर जी रही नारे एकाधिक मामला विभिन्न थाना पत्नी अभियोग आनी कि कोई भाव में से भाई कार्य करते तो पुलिस जेहेतु बर्तमान नहीं पचरा उचरा कर तथ्य आदाय कला पुलिस देखो निश्चा कैपिटल थाना पूरा सीरियल अभियोग रही है कहीं पूरा जो अभियोग आनी प्रियंका पाखापाखि गोटे मर्सिडीज बेंज 70 भरी सुना 21 लाख टंका कैश एवं पुओ एवं बाहागर में मिलता पाखापाखि 30-40 भरी सुना पाखापाखि कह 40 टंका हड़प कर सारा धोखा दे पुणी थे आउ जे सुवर्षी नामक जड़े महिला धोखा देखते बर्तमान सुधा मियाली सहित जो कैपिटल थाना महिला थाना यह तीन स्थान बर्तमान अभियोग आसम स्त्री कहवा कथा जो पाखापाखि 4 जन सहित बाहर सरी कि चारजण को बह कले कि विषय केमी जापारे से सब बड़ प्रश्न प्रियव्रत कौन एमती जाल बनई थे कहीं भी जापारे बह संपर्क पर लोके कौन कहते प्रथम स्त्री अभियोग हूँ प्रथम बहुत कले 7 मास पर शारीरिक मानसिक निर्यातना दिगला जो कि सी दूरे जाते कि पुणी द्वितीय कथा कि भाव में सी द्वितीय पत्नी से जाने सेमान भाव में ठीक से भाव में घटना घटे एमती जड़े पर जड़े घटना बर्तमान सामनाक आखापाखि 4 घटना बर्तमान समय सामनाक आसले संतोष हिंदू मैरिज एक्ट अनुसार जदि डिवोर्स नई थाए से आउ जन को विवाह करती ताले निश्चित भाव में यहाँ हूँ गोटे अपराधिक कथा तो यही पुलिस किसी कौन विरुद्ध में को मामला रुजु कर केस रे बर्तमान गिरफ्त कराई कोर्ट चलाण कराई आगू जदि अभोग आसव कहीं बर्तमान कैपिटल थाना पुलिस गिरफ कर महिला थाना एवं कटक आउ गोटे नियाली थाना अभियोग होता कथा बर्तमान समय सामनाक आसू तो अपेक्षा कर सब अभियोग सामनाक आसा पुलिस कि कार्यानुषान ग्रहण कर बर्तमान को जगह रखाई पुलिस हेफाजत को जगह से रही एबो जो 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 भली बाबू जो 4 जन को विवाह करछंती समस्त इने अभिजोग करछंती किना केवल प्रथम पत्नी ही अभिजोग आनछंती देखो प्रथम कथा होची वर्तमान सुधा 3 जन अभिजोग कर सारे द्वितीय कथा होची
अपेक्षा वर्तमान रही कैपिटल थाना महिला थाना ये सब अभियोग एकाठी कर पुलिस तार आगामी कार्यानुषान नब कि बर्तमान समय जहाँ सूचना रही बर्तमान कोर्ट फरार कर धन्यवाद संतोष इलेक्ट्रम प्रतिनिधि संतोष जेना ये बिल्डर प्रियोक्ता मिश्र जहाँ निशा और पेशा था बहुत चारिज को से बह कर जहाँ अभियोग रही विरोध में नाम आपराधिक मामला रुजु कर सूचना रही कि बर्तमान पुलिस गिरफ्त करी कोर्ट फॉरवर्ड करछि तबे तंको पत्नी को अभियोग अनुसार पुलिस एभली कार्यानुष्ठान नेथवा जणा पडछि। खबर जारी रहबो समाचार का ब्रेक ब्रेक्रे स्वागत तबे पुलिस कब्जा रे रसिकिया बिल्डर प्रियव्रत मिश्र एवं तांको कोर्ट फॉरवर्ड करा जैतिबा सा सूचना रही किंतु तांको प्रथम पत्नी जो अभियोग आनिछंती कि कोबळी बाबरे से झियो मानको धोखा देउतले वर्तमान सुद्धा चारि जणको विवाह करतिबा जा सूचना रही तबे इने आलोचना करले तांको सहित हम प्रतिनिधि संतोष जेना असन सुनिबा कोन कहउछंती तो माता सुब्रत मिश्र गोटे बिल्डर अछंती बट ये से कंपनी रे शायद काम करंती मु कहि परबिन से माने कोन करंती बट पुओ किछि करेनी मु एतिकि जानिछि खबर अनुसार प्रियव्रत बाबू बाहर मो खबर हिसाब से तीन जन मत बिना डिवोर्स रिसेंटली जन को मैरिज कर मानते बड़ बड़ घर झील मान को देखिकी बाहर डाउरी नहीं कि छाड़ उद्देश्य नहीं बस जीवन संगे खेली छाड़ी सब नहीं पैसा नहीं डाउरी तापरे घर सब फर्नीचर नहीं गाड़ी नहीं कैश हिसाब से 21 लाख टका नहीं गाड़ी मैडम नहीं मर्सिडीज नहीं मोर गोल्ड अच्छी सतुरी भरी गोल्ड ता बाद मत जो मिली था बाहर से गोल्ड भी अच्छी से 10-20 भरी हम तापरे पुअर सुना जिनस अच्छी 20 भरी मान बहुत सुना भी नहीं अच्छा परवर्ती खबर को राजरास्ता को ओह्लैले चाषी कलाकार ब्यूटी पार्लर और जिम संघ दीर्घ दिन धरी एसब बंद थेबारु जीविका हरायछन्ते अनेक कोरोना काल रे नानादी हैरान होउछन्ते तेणु तुरंत एसब खोलिबा पई दाबी करछन्ते आ सहित आर्थिक अनुदान प्रदान करबा को दाबी करछन्ते कोरोना कटकणा जको ब्यूटी पार्लर और जिम बंद रहिछि सेपरि यात्रा पई अनुमति देनाते सरकार आवास घोटाला को नहीं बीजेपी रणहुंकार प्रधानमंत्री आवास योजन प्राय 1,000 कोटी टंकार दुर्नीति होता अभियोग करजेपी आरोध कर राज्यव्यापी ब्लक अफिस् सम्मुखें प्रतवाद कर दल भुवनेश्वर जिला बीजेपी पक्षर् भुवनेश्वर ब्लक अफिस् आगे जोरदार प्रतवाद कर दलय भित्ति पक्का घर बंटन सहित अयोग्य हिताधिकारी घर दिजाऊ अभोग कर दल कोरोना जनित मृत्युर ट्रेन रे लागुनी रोक गत 24 घंटे राज्य में आउ 57 कोरोना आक्रांतों मृत्यु होती खोर्धा जिलारु सर्वाधिक 10 जन आक्रांतों मृत्यु होता बेले एथिरे भुवनेश्वर 5 जन मृत्युवरण करथिबा सूचना रही सेपरि गंजाम जिलारु 5 ढेंकानालु 4 कलाहांडीरु 4 कोरापुटरु 2 अनुगुलु 3 आक्रांतों मृत्यु होती सेपरि गत 24 घंटे राज्य 2542 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती क्वारंटीनु 1458 आक्रांत चिन्हट होता बेले लोकाल केस 1084 रही कटकु सर्वाधिक 428 आक्रांत चिन्हट होती सेपरि खोर्धारु 424 बालेश्वर 221 केन्द्रापड़ 167 पुरी 150 जन आक्रांत चिन्हट होती राज्य में कोरोना तृतीय लहर को नहीं चिंता साधारण भाव में तीनि जिनस गुरुत्व दि जाऊँ स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोकों टीकाकरण तृतीय लहर पर तीनमासिया सर्भेलांस जारी भित्तिभूमि प्रस्तुत करा हो स्वतंत्र ग्रुप चिकित्सा करा हो जेहेतु तृतीय लहर शिशु आक्रांत होवार आशंका रही दृष्टि रखी ट्रेनिंग आरंभ हो केन्द्र टीम निजे जिला बुलिकर परिस्थितर जांच करपर्यंत केवल 2 जिला जगत सिंहपुर पुरी गस्त कर कारण खोजी टीम
मृत्यु संख्या को नहीं गतकाली स्वास्थ्य सचिव स्पष्टीकरण देखते कौन डेथ को लुचाइबार चान्स नहीं हस्पिटाल गलापर जे लोक जदि मृत्युबरण करे से क्यों कारण मरी से नहीं रिपोर्ट दि जा ଆମର ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛୁ ଆମ ତୃତୀୟ ଲହରର ତିନିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେଲା ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଏଲିଜିବୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରିବା ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଆମେ ତୃତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଜାରି ରଖିବା ସେଇଟା ଆମ ତିନି ମାସିଆ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରେଡ଼ି କରିବା ଯେଉଁଟାକି କାଲି କହିଛନ୍ତି ବି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ର ଯେତିକି ଆମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଟଅପ୍ର ଯେତିକି ଟ୍ରିଟିଂ ଜାଗା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ ତା ଭିତରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରୁପଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଶିଶୁ ବା ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଏଫେକ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁଟା ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଟିକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କ'ଣ ବିପଦ ରହିବ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଟିକା ନେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭଲ ହେବ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏହାପରେ ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଟିକା ନେବାକୁ କହିଲେ ଟିକା ଦିଆଯିବ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କକ୍ଷ ରହିବ ଘର ଘର ବୁଲି ଟିକା ଦେବାକୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ମନା ହୋଇଛି ଘର ପାଖରେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲିଷ୍ଟ କରିବେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲିଷ୍ଟ କରିବେ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କକ୍ଷ ହେବ ଏବଂ ଟିକା ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜରରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରଖାଯିବ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକାକରଣ ହେଉଛି ସେହି ପାଖରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କକ୍ଷ ଗୋଟେ କରାଯିବ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ଆଉ 45,892 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 817 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଜି 817 ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4,05,028କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଆଜିର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,07,09,557 ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4,60,704 ଥିବାବେଳେ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 2,98,43,825 ପହଞ୍ଚିଛି ଭାରତକୁ ନାହିଁ ଲାମ୍ଡା ବିପଦ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଦେଇନାହିଁ କରୋନାର ସବୁଠୁ ଭୟାନକ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଥିବା ଲାମ୍ଡା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ 30 ଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଥିବା କରୋନାର ଆଉ ଏକ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଲାମ୍ଡା ଏଯାଏଁ ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି କରୋନାର ଏ ଲାମ୍ଡା ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମକ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଭାଇରୋଲୋଜି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏହା ଡେଲ୍ଟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ବ୍ରିଟେନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି 2020 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ପେରୁରେ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 30 ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇସାରିଲାଣି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ମୃତ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ବାରିପଦା ବୁଢ଼ାମରାର ବେଣୁଧର ଗୋଚ୍ଛାୟତ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କର୍ପୋରେସନରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖିରି ଟାଙ୍ଗିରି ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଏକ ଅଜଣା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଫେରା ଟ୍ରକ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବୁଦାପଳାସା ପଞ୍ଚାୟତ ଶଙ୍କରପୁର ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କରପୁର ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ସୁନାରାମ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବାଙ୍ଗିରି ମୁଣ୍ଡା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ ତେବେ ଆଜି ସକାଳେ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି
रास्ता मझे हुतु हुतु जलीगला ट्रक आज सका बुला थाना गोशाला ब्रिज उपर देखा मिली परिदृश्य खबर पाई अग्निशम बाहिनी पहुंची निआक आयत्त करते गाड़ी में किसी कंचामाल सन्देह घटना पर ड्राइवर गाड़ी छाड़ फेरार हो जाते अग्निशम अधिकारी तेज निआ लगार प्रकृत कारण जमापड़ ट्रक्टी महाराष्ट्र बोली कहा ओडिशा स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन रो अवसरप्राप्त अधीक्षक गणपति पुरोहित घरे विजिलेंस चढ़ाऊ आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग आज सका विजिलेंस पक्ष चढ़ाऊ कर एककालीन चारिटी स्थान में चढ़ाऊ कर बलांगीर सहर राजेन्द्रपड़ा पैतृक घर पैलेस लाइन दुईट नवनिर्मित कोठारे चढ़ाऊ चली चढ़ाऊ में संबलपुर सोनपुर बरगढ़ बलांगीर विजिलेंस टीम सामिल होती पूर्व 2009 मसीह आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग गणपति पुरोहित घरे विजिलेंस चढ़ाऊ कर व्हाट्सएप माध्यम रे सबमिट हेबो युक्त दुई शेष वर्ष प्रोजेक्ट पेपर इंडियन म्यूजिक डांस ड्रामा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट गीत विभाग छात्र छात्री माने निज निजर ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स व्हाट्सएप माध्यम रे अध्यापकों को पठाइबे ऑडियो और वीडियो क्लिप रो अवधि 3-5 मिनिट रहइबो एवं एहारी आधार रे सेमानको प्रैक्टिकल बा प्रोजेक्ट मार्क दिया जइबो एसब विषय रे प्रोजेक्ट पेपर व्यवस्था नथिबारु एभली पद्धति अपनैबाकु उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद विज्ञप्ति प्रकाश करछि अणसर घरे 15 दिन धरी गुप्त उपचार परे सुस्थ होती महाप्रभु लॉकडाउन सहित श्रीमंदिर भक्तों पर बंद रही बड़दाण्ड संपूर्ण खाँ खाँ सेपटे श्रीमंदिर भितर चली महाप्रभुं नीतिकांति महाप्रभु संपूर्ण सुस्थ होगापर दत्त महापात्र सेवक महाप्रभुं खड़ीलाग सहित श्रीमुखे खड़ीलाग करते आज महाप्रभुं खड़ी प्रसाद विजे नीति अनुषित हो परंपरा अनुसार खड़ी प्रसाद विजे पर दत्त महापात्र सेवक मैंने श्रीजीवर श्रीमुख श्रृंगार अर्थात बनक लगी नीति करेंगे हिंगु हरिताल ख कस्तूरी आदि विभिन्न प्राकृतिक रंग में महाप्रभु श्रीमुख श्रृंगार कर बनखलाकी पर महाप्रभु आकर्षण हो उठे आज दिन में विशेषकर श्रीमुखें कस्तूरी लेपन कराए आसंका महाप्रभु नवजौवन दर्शन सहित नेत्रोत्सव 12 वर्ष पर चलित वर्ष 3 दिन पड़ी नवजौवन दर्शन मात्र श्रीमंदिर भक्तों पर बंद रही नवजौवन दर्शन करिवारु वंचित हे भक्त समय बुलेटिन को रखा नमस्कार।